जब गुरु की बात करनी होती है या गुरु की बात सुननी होती है, दोनों में ही जो है थोड़ा वातावरण का जो है उसका भी प्रभाव पड़ता है। ये देखिए कोई भी बात होती है तो उसमें कंसंट्रेशन की जरूरत होती है कि मन थोड़ा सा एकाग्र हो, है ना। मन एकाग्र होगा तभी जो है बात जो है वो समझ में आएगी। अब मन हमारा अगर भीड़ भाड़ में होगा, अगर चलायमान होगा तो बात आधी सुनेगा आधी नहीं सुनेगा। जैसे पार्टी में जाते हैं हम लोग, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ सुनता है, कोई कुछ खाता है, तो वहां कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जहां भक्ति की या जहां ज्ञान की या जहां विद्या की और बच्चे के पढ़ाई की जरूरत होती है, तो उस समय जो है कुछ भी हम कहें बाहरी वातावरण भी जो है वो थोड़ा सा जो है उसका भी प्रभाव पड़ता है। ये इतनी ही सेंसिटिव चीज है, ज्ञान इतना सेंसिटिव है कि या विद्या इतनी सेंसिटिव है, या टीचर कभी बच्चे को मैथ पढ़ाता है तो इतनी सेंसिटिविटी होती है कि उस समय मन करता है कि जैसे मन शांत रहे तो फिर वो जो है बात को कह पाए। सुनने को तो हम सुन सकते हैं, हम बोले आप सुन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कभी कभी याद आएगा कि अरे अच्छा तो उन्होंने ऐसा बोला था क्या, हमने तो नहीं सुना, हम बैठे तो थे, हमको सुनाई नहीं दिया वो, तो उन्होंने ऐसा बोला था। क्योंकि वृत्ति हमारी जो है ना, वो वृत्ति जो है वो हवा में थी, हवा में थी, तो हम सुन नहीं पाते उस बात को। तो ऐसे ही संतों ने कहा है कि मनवा तो 14 फिरे ये तो सिमरन नहीं, माला जो है हाथ में फिरती है तो हम वो प्रयास करते रहते हैं लेकिन मन हमारा जो है चारों तरफ जो है घूमता रहता है। हमें कबीर की बात याद आई कि कबीर की जीवनी के बारे में जैसे कभी बात करते हैं तो कबीर के बारे में कहते हैं कि कबीर जो थे वो आसमान से अवतरित हो गए, एक किंवदंती छोड़ी गई, एक किंवदंती ये कही गई कि लहर तारा तालाब में जो है से वो अवतरित हो गए, एक किंवदंती ये कही गई कि कबीर दास कबीर जो थे वो बालक के रूप में थे तो कोई उनकी माँ जो है उनको लहर तारा तालाब के पास छोड़ के चली गई। उसका जो उनका जो था वो कहाँ से आए थे, किस जाति वर्ण के थे, वो उसका पता नहीं लग पाया। तो उनको जो है तालाब के पास से नीर और नीमा नाम की जो है वाइफ हस्बैंड थे, जुलाहे थे और जाति से मुसलमान थे, तो उन्होंने उसको देखा पाया। अब भगवान की कृपा से उनके पास कोई औलाद नहीं थी तो वो उसको जो है भगवान का दिया हुआ जो है प्रसाद समझकर वो उसको जो है अपने घर में ले आए और उसको पाला पोसा, उन्होंने बड़ा किया। जैसे वो बड़े हुए तो एक हम लोग के यहाँ जैसे नामकरण संस्कार होता है वैसे उनके यहाँ भी है, मुसलमानों में भी नामकरण संस्कार की बात चली। तो वो जो है उसको मौलवी के पास ले गए कि ये बच्चा है, हम इसका नाम रखना चाहते हैं, तो आप इसको अपने शुद्ध वाणी से इसको कोई नाम नवाजे, ऐसा उन्होंने कहा। तो मौलवी ने कुरान खोलकर जो है उसमें जो है उसको देखकर और कुछ कहा कि जो उनका होगा क्रिया कर, आपको उन्होंने देखा तो नाम आया क से। क जो था वो परमात्मा का ईश्वर का नाम था, नाम निकला कबीर। लेकिन मौलवी ने कहा कि नहीं हम ये नाम नहीं दे सकते, तुम ये इतने इस जाति के हो और तुम जुलाहे का काम करते हो, हम इतनी छोटी जाति के आदमी को
कबीर का नाम कैसे दे सकते हैं परमात्मा को, उसको भगा दिया। अब वो नीर और नीरमा जो है दोनों उदास होकर बच्चे को गोद में लेके घर आ गए, तो उसके पति ने सोचा कि मौली के मुंह से जो है अल्लाह का दिया हुआ नाम कबीर निकला, तो अब कुछ भी हो जाए अगर मौलवी नहीं भी देता है नाम तो भी हम इसका नाम कबीर ही रखेंगे, तो इस बालक का नाम कबीर पड़ गया। जबकि इस बालक का जन्म कहाँ हुआ था, इसके माँ बाप कहाँ हुए, कहाँ के थे, किस जाति के थे, ये कुछ पता नहीं किसी को। जुलाहे का काम करते थे उसके माँ बाप, तो कबीर भी जो है जुलाहे हो गए। अब कबीर कहते हैं अवतरित हुए और वो संत थे, शुरू से ही उनकी जो है ऊंची वृत्ति थी, एकांत वृत्ति थी, तो वो जो है उसमें जो है जुलाहे का काम करते हुए भी जो है उनका मन जो है वो परमात्मा में लगता। अब देखिए परमात्मा में मन के लगने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम जो है आपके मनोबल को बढ़ाने का या आपकी आपको अपने स्वरूप का ज्ञान भूल गया है उसको याद दिलाने का हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि वो जुलाहा के यहाँ थे, उनके जाति का कोई वो नहीं था, तब भी वो जो है उतनी ऊंची वृत्ति के हुए, तो क्यों नहीं हम भी आज की अवस्था में ऊंची वृत्ति को, एकाग्र मन को और ऊंचे जहां पे गुरु जन हमको ले जाना चाहते थे वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकते, हम भी इसका मतलब उतने लायक हैं। इस बात की धारणा अपने मन में रखनी चाहिए कि हम भी इस लायक हैं, हम इसको कर सकते हैं। आज की भाषा में टेक्नोलॉजी में रहता है हम लोग कहते हैं कि आई कैन कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में बता दिया उसको उन्होंने कि हम कर सकते हैं, तो ऐसे ही हम भी कहते हैं। छोटे से हमने कबीर के उदाहरण से कहा कि कबीर कहते हैं कि गुरु मिले, कहले गुरु के मिलने से ये कागा मन जो है वो हंसा हो गया, किसी जाति वर्ग का कोई पता नहीं था और उसका जो था कोई बड़े खानदान का नहीं था, बहुत अमीर नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि गुरु के मिलते ही जो है वो कागा मन जो है वो हंसा हो गया। जाति वर्ण और कुल ये तीनों चीजें जो है वो खो गई, तीनों हमारी खो गई। भगवान के भजन में बैठने से या भगवान के भजन में लव लगाने के लिए वो कहते हैं कि गुरु की करामात थी, कि गुरु के मिलते ही जो है हमारा मन जो है वो कागा से हंसा हो गया। कबीर ने इस बात का प्रमाण दिया और इस बात का उत्साह वर्धन हमारे अंदर में भी होना चाहिए कि हमारे अंदर भी हम उसी तरह की क्षमता, उस तरह की काबिलियत और उस तरह की जो है। तो ये जो ये बात है गुरु कबीर की, ये 12वीं सदी की बात है। 12वीं सदी में जो है वो ऊंच नीच धर्म धर्म की बात करते हैं। हमको बड़ी भी कभी कभी दुख महसूस होता है कि 21वीं सदी में आकर भी हम जो है भेदभाव की भावना जो है मनुष्य जाति के प्रति रखते हैं, ये हमारे अंदर जो है, तो हम फिर कबीर से अपनी समानता कैसे कर सकते। उस समय जो है के लोग थे कि ये शूद्र है, इसे ये हमारे घर का के बर्तन को हाथ नहीं लगा सकता है, ये हमारे यहाँ जो है अंदर घर में प्रवेश नहीं कर सकता है, ये 12वीं सदी की बात थी, बहुत पिछड़ी जाति की बात थी। लेकिन आज की तारीख में हम जब ब्रह्म विद्या के क्लास में बैठते हैं, जब हम गुरु के सम्मुख बैठते हैं या गुरु की आराधना करते हैं, तो भी जो है हमारे अंदर जो है ये जाति कुल और वर्ण जो है वो रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए,
उसकी रुकावट नहीं होनी चाहिए। मनुष्य जाति के प्रति जो है एक सा भाव होना चाहिए। ये बाहरी विद्या जो है हमको बताती है कि हमको ऐसा करना चाहिए, सम भाव। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सम दृष्टि और सम भाव से तुम युद्ध करो। जब उसने कहा कि ये हमारे जो है, देखिए कैसे कहीं भी ज्ञान करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो ये श्री कृष्ण भगवान की बात, रामचंद्र जी की बात, हमारे गुरु जी की अमूल्य वाणी, वो बीच में आके टकराती है और सबका अर्थ एक ही निकलता है कि उन्होंने कहा कि समभाव से तुम युद्ध करो। उसने कहा मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे आचार्य खड़े हैं, मेरे जो है बड़े भाई खड़े हैं, बड़े मान सम्मान के लोग खड़े हैं, मैं कैसे इनके ऊपर तीर चलाऊं। तो उन्होंने वहां पर उससे कहा कि तुम सम भाव, जब वो गीता में ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं तो उन्होंने पहला पहला उसको बताया कि सम भाव रखो। हम जब सत्संग की बात करते हैं या हम ज्ञान की बात करते हैं या व्यवहार में कुशलता की बात करते हैं या व्यवहार में हम जो है सही और सफल अपना प्रयास करते हैं तो वहां पे भी सम भाव का हथियार है। देखिए ये बात आज मेरे मन में ऐसे क्यों आ गई कि जैसे कल रात परसों या कल दिन में कभी ऐसे मैं ऐसे चर्चा में देख रहा था, कोई किताब ऐसे देख रहा था, तो इसमें ये संभाव आके टकराया। ये भी जो है बहुत बड़े, इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो साधक में होनी चाहिए, संभाव। ये माफ करिएगा, हम कहते हैं एक बात कहें आपसे, थोड़ी सी मेरी बातों में थोड़ा सा फर्क हो जाए, हो सकता तो मैं पहले से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि हमारे घर में काम करने वाली जो है, क्या वो को उनको चाय हम उसी प्याले में देते हैं जिस प्याले में हम खुद चाय पीते हैं, उसको उसी थाली में हम नाश्ता देते हैं जिस थाली में हम नाश्ता करते हैं, उनके उसके बर्तन हम अलग रखते हैं, कहते हैं ये अलग बर्तन रखो, उसके बर्तन है एक किनारे रखे रहेंगे, उसको चाय देनी होगी तो कहेंगे जाओ अपने अपना कप ले आओ, वो कप ले आएगी उसको चाय दे देंगे उसको। तो ब्रह्म ज्ञान क्या कहता है, लेकिन थोड़ी ये कटु भाषा है और थोड़ी जो है व्यंग्य की भाषा है जो हम अपने जीवन में देखते हैं। जब हम ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं तो ब्रह्म या वेदांत की बात करते हैं तो वेदांत का वह, ब्रह्म का ब्रह, ये इस पे पैर तो रख के सीढ़ी चढ़ेंगे हम, लेकिन हम वही जब होटल में जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एक जो है वो चीज टॉप अप का पिज्जा ले आओ, या उसको हम कहते हैं कि एक दाल फ्राई और एक जो है मिक्स वेजिटेबल ले आओ, तो जिसको हम कहते हैं ऑर्डर देते हैं वेटर को, वो किस जाति का है हम पूछते हैं क्या, या वेटर जाके अंदर मैनेजर से कहता है कि ये ऑर्डर मिला है तो वो वेटर जो है वो शेफ को कहता है कि ऐसा खाना बनाओ, इसका ऑर्डर हुआ अभी तुरंत बना के दो। तो वो देखिए, हमने वेटर से कहा, वेटर ने मैनेजर से कहा, मैनेजर ने शेफ से कहा, और शेफ ने जो है अपने हेल्पर से कह के खाना बनाया और फटाफट खाना बन के टेबल पे आ गया। फिर देखिए हम लोग कैसे जो है उसके ऊपर जुट जाते खाने के लिए। तब जाति वर्ण और कुल हम नहीं देखते, तो उसी को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। कोई महीन बात है, इन सब बातें जो है गुरु जी ने ये करके दिखाई हमको। मैं बहुत छोटा था उनके पास, तो जब उनकी सांस आती थी गांव से, तो ये मेरी आंखों देखी बात है। अभी कल ऐसी बात टकरा गई, परसों या कल में ऐसी बात मेरे दिमाग में टकरा गई, तो मैंने सोचा कि कभी मौका मिलेगा तो मैं अपनी फीलिंग शेयर करूंगा कि ये एक जो पहली बात कि आप जो है जब कभी लायक हो सकता है तो आप भी भजन के, भगवान के बराबर में बैठने के और भगवान की स्तुति करने के हकदार हैं। आपके क्वालिफिकेशन में, आपकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात कि जब हम कहते हैं हमारा मन जो है भगवान में लगना चाहिए और क्या कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह से जो है दूर रहना चाहिए और हमको जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उसमें छोटी सी बात हम बताते हैं, आज शुरू करते हैं कि समभाव की भावना मनुष्य जाति के प्रति जो है हमको रखनी चाहिए। हम इसका मतलब ये नहीं कहते हैं कि काम करने वाली आई तो जाके हम उसके गले लग गए, उसकी बात हम नहीं करते। बात को अकल से समझने की बात है कि हम अपने मन को समभाव में रखें। ये तो हमने छोटे छोटे उदाहरण दिए, तो आप कहेंगे काम करने वाली है तो क्या करें कि काम करने वाली को हम अपने बिस्तर पे बिठा दें, ऐसी बात करते हैं सत्संग में। या आप कहेंगे कि हम खाना खा रहे हैं काम करने वाली आई तो हमने कहा आओ तुम भी इसी में खाओ, ऐसा कह दे क्या? नहीं, हम ये नहीं बात कर रहे हैं। हम बात को अपने मन के अंदर जो गांठे पड़ी हुई है उन गांठों से, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सर्वत्र है। गुरु क्या कहते हैं? गुरु सर्वत्र समान है। तो हम कहते हैं कि समभाव बात करते हैं, तो सम की भावना जो है हमको अपने अंदर जो है जगानी चाहिए। है सम की भावना है, लेकिन उसको जगाना चाहिए। सम की भावना नहीं है अगर आप कहते हैं कि हमारे अंदर सम की भावना नहीं है, अच्छा आज आप कहते हैं तो हम आज से करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर सम की भावना है, होटल में ऑर्डर देते हैं, खाना मंगाते हैं और हाथ चाट चाट के खाते हैं तो संभावना है। अगर जो है दूसरा आदमी घर में आके काम करता है तो वहां संभावना नहीं है, उसके बर्तन अलग रखते हैं, वहां संभावना नहीं है। इसका मतलब संभावना का गुण ईश्वर ने अपनी कृपा से, गुरुजनों ने अपनी कृपा से हमारे अंदर जो है वो बो दिया है, लेकिन उसको पौधे को हमको आगे बढ़ाना है। वो पौधा दबा रहता है तो वो गुण आगे बढ़ नहीं पाता। मैं गुरुजी की बात कर रहा था, जब मैं बहुत छोटा था तो जब उनकी सास आती थी वो बड़ा भेदभाव करती थी, गांव से थी, जात से ठाकुर थी। अब गुरुजी के सत्संगी थे, गुरु की सत्संगी थे मेरी वाली, मोहन माला, सुशीला की अम्मा, ऐसे सत्संगी थे। और उसमें हरि भैया, हस्ती दादा, हम, नरेंद्र थे, तो कोई उसमें सिंधी था, तो कोई पंजाबी था, तो कोई उसमें ठाकुर था। अब आ गई सास, 10 दिन के लिए आई, 20 दिन के लिए आई, तो वो पक्कू पक्की ठकराई थी। उनकी उनका एक ही एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर तार पे उनकी साड़ी जो है फैली हुई है और ये तार जो है कपड़े सुखाने वाली यहां से लेके जो है 13 मीटर की है, तो साड़ी कितने मीटर की हुई? 5.5 मीटर की हुई, तो 13 में से 5 गए तो 8 मीटर जो है तार खाली रही, समझ गए? 5 मीटर की साड़ी थी और 13 मीटर की रस्सी थी, तो 5 ही मीटर तो साड़ी ने 5 ही मीटर जो रास्ता घेरा। अब इतना रास्ता घेर दिया और इतने में जो है हमने हाथ लगा दिया तो भैया वो साड़ी दोबारा धोई जाएगी, ऐसी वो पक्की ठकराई थी अपनी जाति की। और उनको इस बात का गर्व भी था, इसे अज्ञान मत समझिए। ये तो मतलब अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम इसकी बात करते हैं तो बात बड़ी लंबी होती है, तो शॉर्ट पे करते हैं, ज्ञान की बात पे ज्यादा तवज्जो देते हैं कि अब जो आदमी जहां पैदा होता है वो वैसा ही हो जाता है। हम हिंदू के घर पैदा हुए, हम हिंदू हो गए। आप ठाकुर के घर पैदा हुए, आप ठाकुर हो गए। फलाना मुसलमान के घर पैदा हुआ, मुस्लिम हो गया। कोई क्रिश्चियन के घर पैदा हुआ, वो ईसा मसीह को मानने लगा। तो ये कोई जाते लेके हम पैदा लेके आए नहीं, लेकिन जहां जहां पैदा हुए वहां वहां पे वैसे हो गए। तो ऐसी ऐसे में हमारे गुरुजी जो है संभाव रखते थे। गुरुजी के बदन में कभी कभी बहुत दर्द होता था, ऐठन होती थी, तो मेरी वाली जो है उनको तेल मलती थी उनकी टांगों में, हाथों में, पीठ पे, तो उनको थोड़ा आराम आता था। 3 बजे सत्संग में भरी दोपहरिया में जाना पड़ता था। तो अब सांस बैठी हुई है,
तो मेरी वाली को भी वो इशारा कर देते थे कि तुम जो है घर के बाहर ऐसे बैठो, आंगन में बैठो। हम भी आंगन में बैठते थे उनके, और ताकि जो है पहले वो जो है खाना खा ले, नहा ले, खाना खा ले, क्योंकि अगर खाना छू गया, अगर भगवान जी क्या तो के पांव हमने छू दिए, तो हमारी उस करंट से जो भगवान जी के पांव में लगी, उनके बदन से होती है, उनके हाथ में आ गई वो करंट, उस करंट से उन्होंने वो रोटी जो है अपनी सास को दी, वो खाना नहीं खाएंगी। वो छूत की जो है हमारे हाथ से उनके पैरों को छूने से उनकी बॉडी से होते हुए वो रोटी तक आ गई, और रोटी जो है उन्होंने खाने से मना कर दिया। वो ऐसा महीन देखती थी। तो कबीर दास जो कहते क्या है, कबीर दास हमारे गुरु जी ने कभी मतभेद किया, वो भी तो जात से ठाकुर थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा भेद नहीं रखा। कबीर की तुलना अगर हम गुरु जी से करते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि दोनों के विचारों में एकता थी, एकता थी। उसी को श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अभी तुम्हारे सामने जो कर्तव्य है कर्म का, उसके हिसाब से तुम कर्म करो। वो उनको बखान देता है कि हमारे जो है आदर्श लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके ऊपर कैसे तीर चलाऊं। तो उन्होंने कहा कर्म की पुकार है तो ये तुम कर्म करो। गुरुजी मन में भेदभाव नहीं रखते थे, इसकी मैं चश्मदीद गवाह आज की तारीख में जिंदा हूं आपको बताता हूं। मेरी वाली का घर अगर आप देख लेते, वो बारूद खाने में था, तो आज की तारीख में इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आप उसके घर में 2 मिनट भी बैठ नहीं सकते। जाते से वो शूद्र थी, लेकिन मेरी वाली को वो गले लगा के प्यार करते थे। तो ये मैं उस समय की इनिशियल स्टेज की बात करता हूं कि उनके मन में ऐसे संभाव था। कबीर दास भी संभाव की बात कोई तो कहते हैं कि जो है हम ये जात गुरु जी के गुरु से मिलने से मेरा कागा कौवे जैसा मन जो है वो हंस जैसा सफेद हो गया, और जाति वर्ण और कुल मैंने खो दिया। कभी हम लोग अगर अभी आज की बात करें तो ऋषियों ने क्या किया, ऋषियों ने भी उसी की परंपरा डाली। आज हम लोग सत्संग में से उठेंगे तो अपने मन में संभावना क्या प्रवाह लेके चलेंगे। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए जो शरीर से हष्ट पुष्ट बलशाली थे, रक्षा करते थे, ऋषियों ने कहा ये क्षत्रिय है। जिनको ज्ञान था, विद्या पालन, विद्या का अध्ययन करते थे, वेद और पुराण पढ़ते थे, उनको ऋषियों ने कहा ये ब्राह्मण है। अब ठहरिए, अब देखिए तीसरी गति आती है जो चैलेंजिंग है। और उन्होंने कहा जो लोग आज की भाषा में जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, सेवा करते थे, उनको उन्होंने कहा कि ये शूद्र है। ऋषियों ने ये कहा। अब सर्विस प्रोवाइडर की बात क्या करते हैं, सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, मुझे एक कहानी याद आती है महाभारत की, कि महाभारत का 18 दिन युद्ध चला, इसको मारो उसको मारो, तमाम खून की नदियां बह गई, उसी में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और ये कर्ण, बड़े बड़े योद्धा जो थे, ये 100 कौरवों के पुत्र, ये सब मारे गए। उसके बाद जीतने के बाद जो है युधिष्ठिर के मन में ऐसा आया कि हम एक अश्वमेध यज्ञ करें, इतना खून बहा है पांडव कौरव के खानदान में, और इतने इतने लोग जो हम जिनकी उपासना करते थे, जिनके आगे हम आंख उठा के नहीं देखते थे, और जिनके आगे हम उनके चरणों पर ही अपनी निगाह रखते थे, उन सबको जो है वो सब युद्ध में मारे गए। तो हम लोग अश्वमेध यज्ञ करते। श्री कृष्ण ने कहा ये बहुत अच्छी बात हमारे मन में आई है, हम अश्वमेध यज्ञ तुम करो और हम भी उसमें जो है सम्मिलित होंगे। और भैया ढिंडोरा पीट गया हस्तिनापुर के अंदर कि युधिष्ठिर जी जो है वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो साहब यह अश्वमेध यज्ञ हुआ, बहुत जबरदस्त हुआ, तमाम मंत्रों का उच्चारण हुआ, तमाम जो है ग्रंथों के जो है वाणियां चली, तमाम जो है
बहुत ही सुविचार फैलाए गए और ऐसा ऐसा किया गया ताकि जो है महाभारत की कड़वाहट, महाभारत का अंधकार, महाभारत का जो है चीखना और चिल्लाना, कितनी औरतें बेवा हो गई थी, कितनों के भाई मर गए थे, कितनों के जो है पिता गुजर गए थे, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए और शांति फैलाने के लिए उन्होंने ये अश्वमेध यज्ञ रखा। जब यज्ञ खत्म हुआ तो यज्ञ के बाद होता है कि जैसा आप लोग जानते हो कि ब्रह्म भोज की तैयारी की गई कि भाई कल ब्रह्म भोज होगा, तो दूर दूर से ऋषियों को, मुनियों को, पंडितों को, सबको जो है श्री कृष्ण कहा कि न्योता भेजो और सबको बुलाओ। पहले पहले जो है ये ऋषि मुनि जो है ये खाना खाएंगे, भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे ताकि यज्ञ की समाप्ति को हम पूर्ण विराम दें। तो तमाम जो है योगी, ऋषि, ब्रह्मनिष्ठ और कई लोग आए, बड़े बड़े, अभी मैं उनके नाम तो नहीं जानता लेकिन बहुत से नाम थे जो उनको बुलाया गया और उनको भोजन कराया गया। सबने भोजन किया, सबने भोजन किया, उसके बाद भोजन के बाद ही सबको युधिष्ठिर ने अपनी योग्यतावश थोड़ा थोड़ा उपहार भी दिया। उपहार मतलब जैसे कहते ना, जैसे गले में जो है पटका डाला, किसी को शॉल दी, क्या दिया, ऐसे करके गया, सबको सम्मानित करके जो गया, सबको विदा किया। जब वो फिर जो है खाने की जगह पे आए तो वहां पे सारे संतों की उनकी जो है झूठी पतले रखी हुई थी। अब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इधर उधर दास दासियों को देखने लगे कि पत्तल उठाए, ये कौन खाएगा पत्तल। श्री कृष्ण ने अपना जो है पीला पीतांबर खोला और कमर में बांधा और बांध के जो है उन्होंने पत्तलों को उठाना शुरू किया। और उन्होंने सबसे पहले प्यार करते थे वो अर्जुन को, तो उन्होंने कहा अर्जुन आओ आके हाथ बटाओ, किसका इंतजार कर रहे हो कि वो पत्तल उठाए। और उन्होंने खुद अपने हाथ से पत्तल उठाई। उन्होंने कहा कि ये सेवा जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है और ये सेवा जो है हमको करने का अवसर मिला है, तो क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और हम इसको करें। तब फिर जो है युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब जो है श्री कृष्ण के साथ जुटे। पांचों भाइयों ने और श्री कृष्ण ने उठ के जो है सारी पत्तलें उठाई और साफ की ताकि प्रजा जो अब ऋषि मुनियों के बाद जो प्रजा बाकी थी वो भी खाना खाए। तो उसके बाद फिर प्रजा बैठी, फिर प्रजा ने खाना खाया, फिर उसकी पत्तलें इन्होंने उठाई। उसके बाद लोग आते गए, खाते गए, आते गए, खाते गए। अब श्री कृष्ण के व्यवहार की उसको देखते हुए वो पांचों भाई जो है वो ये भूल गए कि खाना जो है सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि खाना सप्लाई करने का काम द्रौपदी का था। ये लोग पत्तल उठाने में इतने मग्न हो गए कि अब देखिए सेवा में भी जो है बड़ा आनंद आता है। ये श्री कृष्ण ने बताया, ये मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि किस तरह से जो है हमारे गुरु जी, जब हम लोग इतने लोग जो है खाते थे, हरी भैया दादा तो कह रहे थे हम विकास, प्रकाश, नरेश वर्मा जी, पंडित जी, बाबू जी, इतने लोग बैठ के खाना खाते थे, तो बर्तन जो है लालबाग में घर पे किनारे की तरफ रखे रहते थे। सारे बर्तन जो है अब क्योंकि सास आई हुई है तो बर्तन किसी से धुलवा नहीं सकते। अगर वो मेरी वाली से और मोहन माला से और सुशीला की अम्मा से कह देते कि बर्तन जरा सा धुलवा दो तो वो धो देती, लेकिन वो धो देती तो उसके बाद उनको फिर सफेद और साफ पानी से खुद धोना पड़ता। तो उन्होंने कहा यार बर्तन हम खुद ही धो दें, तो वो बर्तन जो है खुद वो धोने लग गए। शर्म आनी चाहिए हमको कि उन्होंने वो बर्तन धोते थे, तो हमको अम्मा जी उनकी जो थी बच्चे की तरह, विकास प्रकाश की तरह से ही मानती थी। तो हमने कहा अम्मा जी इतने बर्तन धोए जा रहे हैं, अगर आपको आपत्ति ना हो तो थोड़े बर्तन में उठा के, एक बड़ी सी टेबल थी लकड़ी की, उसके ऊपर उल्टे करके रखे जाते कि जैसे पानी उसका निकल जाए, सूख जाए और उसके बाद उसको पोछ के रख दिया जाए। हमने कहा अगर आपकी मर्जी हो
और हम तो कभी कभी उससे मजाक भी कर लेते, हमने कहा अगर रात में कोई आप बखेड़ा न करे तो ये बर्तन में उठा के वहां रख दू। कहले जा बच्चा, तुम तो मेरा बच्चा है, कहती थी हमको अलाउ करते कि भाई बर्तन उठा के रख दो। तो भगवान जी बर्तन जो है 2 फीट दूर पर रखते थे और हम वो बर्तन जो है फिर उठा उठा के टेबल पर, इतना सही काम करते थे वो भी उनकी ड्यू परमिशन से, कि उनको मजाक मजाक में हम कह देते थे कि भाई ऐसा ना हो कि रात में हम चले जाए तो आपको बखेड़ा कर देंगे, हम खाना नहीं खाएंगे और ये करेंगे। हमने कहा अम्मा जी आप भूखी रह जाए, पाप हमको पड़े, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई ना हो पाए और नौकरी ना लग पाए हमारी, हम तो ऐसी गरीबी अवस्था में जी रहे हैं। तो वो हंस देती, कहते नहीं नहीं जहाँ बच्चा तो हमारा बच्चा है, मैं ऐसे करके जो है हो जाती थी। तो आप देखिए कि पत्थर उठाने वो इतने मग्न हो गए, उनको उसमें भी आनंद आने लगा। ये अब ये क्या कहते हैं, हम कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र, तो शूद्र की जो है वो कैटेगरी कहां पे आती है, उसको आज की तारीख में हम कहते हैं कि अरे टीवी नहीं चल रहा है, अरे पंखा नहीं साफ है, अब एसी नहीं काम कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर को बुला लो, बाथरूम साफ कराना हो तो क्या कहते हैं वो कौन आता है जिसको कहते हैं, अरे कौन किसको फोन कर दो वहां से आदमी आ जाता है, मैं नाम भूल गया उसका, क्या बोला वो आके बाथरूम जो है वो डीप क्लीन कर जाएगा, ये कर जाएगा। व्हाट आर दीज थिंग्स, ये जो प्रोवाइडर्स है ये अगर ना होते तो आप सफेद अच्छे कपड़े पहन के, कुर्ता पजामा पहन, कमीज पहन के, साड़ी वाड़ी पहन के ऐसे चटक के कैसे बैठते, अगर ये सर्विस प्रोवाइडर ना होते तो। इस संभाव ज्ञान का एक जो है स्थान जो है वो क्या है, संभाव। संभाव की कितनी जो है, देखिए हमने सिर्फ 2-3 चीजें बताई, संभाव ज्ञान में चढ़ने की एक सीढ़ी है जिसपे आपको पैर रख के चढ़ना ही पड़ेगा। 1 पॉइंट, उसके लिए हमने आपको 1-2 कथा बताई कि ये कथा के हिसाब से संभाव की कितनी जो है इतना ही महत्व है, 2 चीज। तीसरी चीज हमने बताई कि मैं चश्मदीद गवाह हूं कि गुरु जी कैसे संभाव रखते थे। वो शेर को अब अम्मा जी को खाना खिलाना या बाबू जी को खाना खिलाना और मेरी वाली को साथ में रखना, शेर और बकरी को एक ही घाट पर पानी पिलाने के बराबर था, तो वैसा वो करते थे संभाव से। ये देखिए ये जो है व्यवहारिकता के गुण जो है अगर हम अपने अंदर पैदा करें या इस पे थोड़ा तवज्जो दें, इस बात को कभी नहीं कहें ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा कैसे हमारे अंदर तो है ही, ऐसी बात नहीं है। हमने आपके अंदर के गुणों को थोड़ा थोड़ा चुभोया, हमने बताया कि ये गुण है अंदर में, इनको खाली उनको अपने उचित स्थान पर, अपने गुण को अपने उचित स्थान पर बिठाना है हमारे अंदर, हमको जगाना है, ये भी ज्ञान का एक कदम है, ज्ञान की ओर एक कदम है हमारा चलना। तो उससे जो है कबीर दास ने उसको जो है कहा कि उन्होंने इस तरह से जो है क्या कहते हैं गुरु के मिलने पे कहा कि हम मैं कागज, उन्होंने सारा का सारा अपना सारा का सारा जो है अपनी सारी सारी अच्छाई उन्होंने गुरु के चरणों में समर्पित कर दी कि गुरु के मिलने से मैं जो है कागा से हंसा हो गया, मैं भी कागा था कौवा था लेकिन मैं हंसा हो गया गुरु के द्वारा। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि ब्रह्म अग्नि जो है, उन्होंने कहा कि ब्रह्म अग्नि जो है वो उजियार हुई, उनका एक दोहा है कि ब्रह्म की जो अग्नि थी वो उन्होंने हमारे दिल के अंदर जला दी ताकि कर्म काट कोयला कर दिया उन्होंने जो भी हमारे कर्म थे। देखिए वो बिना पढ़ा लिखा आदमी था, उसने कभी जो है बीए एमए बीटेक एमटेक वगैरह एमबीए वगैरह किया नहीं था, तो वो उस भाषा को उस भाषा से वो तत्व की बात करते थे कि गुरु के मिलने से क्या हुआ
कि उन्होंने हमारे कर्मों को काट दिया, चला दिया, खत्म कर दिया। उससे क्या हुआ कि लोभ मोह सारे के सारे जो है भ्रम जो थे वो हमारे जल गए। ये किसने किए? कहते हैं ये गुरु ने किए। मैं तो काला कौवा था, उन्होंने ही ये सारे कार्य किए। जब मैं उनकी शरण में आया और उन्होंने कहा ऐसे हमारे सदगुरु जो थे वो दयालु थे, उन्होंने हमको जो है ऐसा किया। कबीरदास खुद भी बड़े हुए तो जानते थे कि ये जो है मीर और निर्मा मेरे असली माँ बाप नहीं है। अब मैं जाति से मुसलमान नहीं हूं लेकिन लोग मुझे मुसलमान मानते हैं क्योंकि मैं जो है इनके द्वारा पाला गया हूँ। उनको बाद में सच का ज्ञान हो गया, लोगों ने बताया कि आप उनके नहीं हो, आप जो है लहर तारा तालाब के पास मिले थे। तो उन्होंने कहा कि जिस बात से अज्ञानी लोग जो है वो भटकते रहते हैं, वो जो है वो किसमें भटकते रहते हैं, जिस बात से अज्ञानी लोग भटकते रहते हैं किससे भटकते हैं? कबीरदास कहते जाति वर्ण और अभिमान से। हम बार बार यही कहते हम इस जाति के हैं, हम इस वर्ण के हैं, हम इस पदवी पे काम करते हैं, हम जनरल मैनेजर हैं, हम जो है लीड मैनेजर लीड हैं। अब वो आजकल तो ये चलने लगा ना इनके आईटी सेक्टर वगैरह में, उनसे मुझे क्या है चले हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अब हम तो मैनेजर लीड हैं और हम जो है क्या है कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुपर सॉफ्टवेयर पता नहीं कौन कौन सी भाषा बोलते हैं उसके जो उसके सुपरवाइजर है। हमारे अंडर में जो है 18 लोग काम करते हैं, हम टीम लीड को काम कराते हैं। तो जाति उन्होंने कहा जाति वर्ण और अभिमान, अपने नाम का पद का जो है तमगा अपने माथे पे लगा के और पीठ पे चिपका के हम जो है उसी के में घूमते रहते। उसे ये भी एक अभिमान है जो हमें बजाए। और लेकिन सतगुरु क्या करता है? फिर हम लौट के आए, सतगुरु शब्द सुनाया, एक ही बारी में शब्द गुरु ने शब्द हमको सुनाया जो भनक। वो शब्द क्या था? वो शब्द हमने ध्यान से सुना भी नहीं। कबीरदास जी कहते हैं वो शब्द भी वो भनक भी वो मेरे कान में पड़ी। जब उनकी भनक जो है शब्द मेरे कान में पड़ी तो माया ममता क्रोध सब तजी। यानी तब जब गुरु के शब्द, गुरु की देखिए कितनी महिमा है कि गुरु को हम कभी गुरु को जो है क्या कहते हैं टीचर कहते हैं, कभी हम गुरु को जो है सर्वे सर्वा कहते हैं, कभी हम कहते हैं मात सब तुम्ही हो, तुम ही हमारे दोस्त हो, तुम ही हमारे साथी हो, संगी हो, तुम ही हमारे हनुमान हो। जैसे कभी कभी जो उदाहरण हम देते रहते हैं, इतने बातों से इतने शब्दों से हम गुरु के नाम कहते हैं कि वो जो उसकी बात जब वो माया और ममता सारी उनके शब्दों से हमने तजी। कैसे तजी? जो उनके शब्द की अदक पूरे शब्द वो सुनाते तो हम कहां के कहां पहुंच जाते। उनके हमने ध्यान देके सुनी नहीं, उनके शब्दों की भनक से तो जो है मेरे मन की माया और ममता और क्रोध सब दूर हो गया। ऐसा कबीरदास कहते हैं कि ऐसा हो गया मेरे अंदर, जबकि मेरे जाति का और मुझे अपने कुल का कोई ज्ञानी नहीं था। और माया और जिसमें माया ममता चली तो जो विषय हमारे अंदर थे, विषय जो थे वो सब साफ हो गए। गुरु के शब्दों में इतनी ताकत थी, गुरु के शब्दों में इतनी ताकत थी। देखिए वो कितनी ज्यादा गुरु को ऊपर उठा के बात करते कि उनके एक शब्द से मेरा जाति वर्ण कुल अभिमान खो गया और क्रोध लोभ मोह अहंकार खो गया और मेरे दिल में अब विषय की कोई जगह नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का कोई भी प्रभाव मेरे अंदर नहीं पड़ता है। तभी वो कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो हद तज
हद तज बेहद हो गए। हद माने क्या, हद माने सीमा, हम सीमा के अंदर थे। अभी तक हम बात जो करते हैं तो काहे की करते हैं, सीमा की बात करते हैं। मैं हूं, ये मेरी बीबी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, और कौन है, अरे और कोई नहीं है, और हमारे इतना ही परिवार है मेरा। तो लोग भी पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो चट से हमने बताया कि मेरा जो है वाइफ है, मेरा जो है बेटा है, उसकी मैरिज हो गई है, उस बहू है, और उसको एक बेटी है, एक मेरी बेटी है, और बेटी है वो बेंगलोर में पढ़ती है, काम करती है, और हमारा मकान है लखनऊ में, हम वही रहते हैं। गुरु क्या कहता है, वो कबीरदास क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि गुरु के मिलने से हद सीमा तज, उसको हमने छोड़ दिया, अब बेहद में गुरु हमको ले जाए। गुरु ने कहा कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये संसार पूरा तुम्हारा है, जहां मैं